एवरीवन, कैसे हो आप सब? गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज बहुत अच्छा धूप आया है, सुबह थोड़ा धूप कम था। मैं यहाँ पे अभी छत पे ऐसे बैठी हुई हूँ तो अच्छा खासा धूप है। थोड़ा वेट यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा ठंड लग रहा था तो मैं आके सोची कि थोड़ा धूप पे बैठती हूँ। अभी बैठी हुई थी तो यहाँ पे बहुत अच्छा गार्डनिंग हुआ है, फ्लावर्स व्लावर्स लगे हुए हैं तो बहुत अच्छा एक पीस लग रहा है यहाँ बैठने से। कुछ देर यहाँ बैठूँगी फिर जाऊँगी खाना वाना बनाना है। तो मैं आपको थोड़ा दिखाती हूँ कि हमने टेरेस में कैसे थोड़ा प्लांटिंग किया है। तो कुछ मैरीगोल्ड्स के प्लांट्स लगाए हैं हमने छत में, तो मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे वाइट हिबिस्कस एंड यहाँ पे रेड हिबिस्कस भी है। और कुछ इस तरीके का व्यू है और आपको मैं थोड़ी सन दिख रहा है कि नहीं दिखाती। इधर भी है, बड़े बड़े हिबिस्कस हुए हैं। और चिली प्लांट्स भी है जिसमें चिली भी आए हुए हैं। और यहाँ पे भी है एक चिली प्लांट जिसमें बहुत सारे चिलीज है। और ये भी सेम वही वाले फ्लावर, सेम वो वाला फ्लावर जो है वही फ्लावर है। इसमें एक बर्ड हुआ है, फ्लावर्स पूजा के लिए ले लिए हैं। और ये पुदीना, तुलसी के पौधे लगे हुए हैं। और ये है नींबू। बहुत ठंड लग रहे थे रात को, मतलब अभी सुबह भी बहुत वेदर क्लाउडी, मतलब क्लाउडी था, लगा कि बारिश होगा कि, बट अभी धूप आया है, अच्छा खासा धूप है। तो मैं थोड़ा यहाँ पे बैठती हूँ, उसके बाद जाऊँगी मायरा को उठाऊँगी क्योंकि मायरा भी सोई हुई है, उसको उठाऊँगी और फिर देखती हूँ क्या आज बनेगा लंच में। तो आज लंच में आज मैं सहजन, बैंगन और आलू की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे जीरा और लहसुन, सरसों का पेस्ट लिया है और मैंने सहजन इस तरीके से कट किया है और बैंगन लंबे लंबे, आलू भी लंबा लंबा ही कट किया है। और मैं यहाँ बड़ी भी डालूँगी लास्ट में जब करी बन जाए सौटे करके। तो उसके लिए मैंने पहले कढ़ाई में सरसों तेल डाला है, उसमें मैंने प्याज को चॉप करके डाला और प्याज जब सौटे हो जाए तो उसमें मैंने आलू डाला, आलू को थोड़ा सा फ्राई किया। उसके बाद यहाँ पे मैंने लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी डाल के उसको अच्छे से मिला के थोड़ा देर सौटे करूँगी। और जब पूरा सौटे हो जाए अच्छे से, उसके बाद मैंने जो वो पेस्ट बनाया था सरसों, जीरा और लहसुन का, उसको मैं छन्नी से छान के वो पानी को इसमें ऐड कर दूँगी और नमक डाल दूँगी स्वाद अनुसार। तो मैंने छान के इसलिए डाला क्योंकि अगर छान के नहीं डालूँगी तो पेस्ट रहता है थिक वाला, तो वो दरदरा लगता है, इसलिए मैं छान के ही डालती हूँ उसको। तो उसका पानी जब बॉईल हो जाए तो मैं यहाँ पे ड्रमस्टिक डाल दूँगी और उसके बाद मैं कवर करके उसको कुछ देर तक पकाऊँगी। तो जैसे ही ड्रमस्टिक 70% तक पक जाए उसके बाद मैं बैंगन ऐड कर दूँगी और कवर करके कुछ देर पकाऊँगी, क्योंकि बैंगन को कवर करने से, करके नहीं पकाने से वो थोड़ा काला पड़ जाता है। इसलिए मैं जैसे ही बैंगन डाली उसके बाद कवर कर दी। उसके बाद अभी बैंगन मेरा ऑलमोस्ट पक गया है। उसके बाद मैं इसमें रॉ मैंगो ऐड कर दूँगी। तो रॉ मैंगो ऐड करने से टेस्ट थोड़ा चेंज होता है, थोड़ा खट्टा खट्टा टेस्ट आता है तो और अच्छा लगता है। और वो तो अगर ड्राई मैंगो आपके पास नहीं है तो आप स्किप कर सकते हो और टमाटर ही ऐड करके ये करी बना सकते हो। तो मैंने जो बड़ी रखा था उसको मैं सरसों तेल में थोड़ा सा फ्राई करके इसमें ऐड कर दूँगी, जो और टेस्ट को और अच्छा लगता है, थोड़ा क्रंच आता है खाने के टाइम तो और टेस्टी लगता है। तो बस करी रेडी है। इसमें अगर थोड़ा स्वाद अनुसार नमक थोड़ा कम हो जाता है क्योंकि खट्टा डालने के बाद, तो नमक स्वाद अनुसार मैंने डाला है। उसके बाद मैं बड़ी ऐड करूँगी और धनिया पत्ता डाल के बस मेरा करी रेडी। तो आप एक बार ट्राई कीजिएगा, इसको राइस के साथ, गर्मा गर्म राइस के साथ खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो लंच के बाद हम थोड़ा निकल गए थे बाहर, तो हम डियर पार्क गए थे। ये कटक में ही है ये पार्क, तो बहुत अच्छा है, बहुत सारे डियर है। जस्ट रोड के ही कॉर्नर में एक पार्क है जहाँ पे अलाउड नहीं है हमें अंदर जाने के लिए, बस आप बाहर से ही देख सकते हो डियर को।
पे गिर जाता है। तो यहाँ पे बिस्किट बिस्किट मिलता है, इसलिए बिस्किट खरीद के दूर के दूर रहते, पर वो पहुँचता नहीं है वहाँ पर, लोग थ्रो करते हैं तो कुछ नीचे भी गिर जाते हैं, तो वहाँ तक पहुँच नहीं पाते तो वेस्ट हो जाता है। और ये मेन एंट्रेंस है, तो जस्ट ये आप देख सक रहे हो ये मेन रोड है, और उसी के जस्ट पास में ही साइड में ही वो डियर पार्क है। और तो ऐसे ही रिवर बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था, ऐसे लग रहा है स्काई से टच हो रहा है। और ये रोड में आप ऐसे आराम से लॉन्ग ड्राइव में ऐसे व्यू एंजॉय करके के आप जा सकते हो, और काफ़ी ग्रीनरी है, तो बोल सकते हो इधर ग्रीन और उधर ब्लू, बहुत ऑसम कॉम्बिनेशन। और अभी ये पाथ को ब्लॉक कर दिया गया है सैंड डाल के, क्योंकि यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट होगा, और ये बाली यात्रा यहाँ पे होता है, ये उसका फील्ड है, और इधर जाने से स्टेडियम है। तो अब हम घर की ओर निकल चुके हैं, तो अचानक से प्लान में चेंज आया, हम घर नहीं जा रहे थे। उसके बाद यहाँ पे एक सिल्वर सिटी बोट क्लब है, तो ये ओडिशा टूरिज्म का है, तो हम वहाँ पे गए। तो एंट्री के लिए तो यहाँ पे पार्किंग का भी अच्छा खासा प्लेस है, एंट्री का 20 रुपीज़ लगता है पर हेड एंड 10 रुपीज़ पार्किंग फॉर टू व्हीलर। तो यहाँ पे आप आराम से गाड़ी पार्क करके इसे व्यू एंजॉय कर सकते हो, जाके वहाँ पे चेयर्स है, मतलब सिटिंग प्लेस टाइप का बनाया गया है, वहाँ बैठ के आप रिवर शोर एंजॉय कर सकते हो। यहाँ पे बोटिंग भी होता है, और कुछ इस तरीके से गार्डन टाइप का बना हुआ है, यहाँ पे फ़ोटोशूट के लिए भी अच्छा स्पेस बनाया गया है। तो आज सैटरडे था, फिर भी आज कम भीड़ था। छोटा सा रेस्टोरेंट है, और यहाँ पे नहीं की, और यहाँ पे बोटिंग हो रहा है, यहाँ से बोटिंग हो रहा है ये पूरा, और वहाँ भी एक बोटिंग। बोटिंग भी होता है, बोटिंग का चार्जेस कितना है आपने पूछा? वो बोटिंग का क्या ये बोल रहे हैं कि पैडल बोटिंग 232। हाँ, फॉर टू पीपल हाफ एन आवर, और अगर आपको स्पीड बोट लेना है तो 1150 टू जन का। हाँ, तो वो देखना पड़ेगा, यहाँ पे तो काउंटर है, काउंटर में पता करते हैं। यहाँ पे एक चार्जेस लगा हुआ है, देख के बताते हैं। तो ये रूल्स एंड रेगुलेशन सेफ्टी नॉर्म्स का चार्ट लगा हुआ है, और इस तरीके से बना हुआ है। ये रात को थोड़ा इवनिंग हो जाता है तो लाइटिंग स्टार्ट होता है, पर अभी हमें थोड़ा जल्दी आ गए थे तो लाइटिंग कुछ स्टार्ट नहीं हुआ था, और ऐसे बैठने के लिए बनाया गया है सीढ़ी के लिए, अभी भी काम चल रहा है, कम्प्लीट नहीं हुआ है। बट कुछ देर आप आके यहाँ पर बैठ सकते हो, रिवर का व्यू इंजॉय कर सकते हो। तो ये अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन, ये अभी काम चल रहा है, और बीच में आप देख सक रहे हो वो फ्लोटिंग कैफ़े है, तो वहाँ पे बर्थडे सेलिब्रेट या कुछ देर रिवर के बीच पे बैठ के आप इंजॉय कर सकते हो। तो अब वहाँ है कि आप कुछ स्नैक्स ले जाओ और वहाँ पे बैठ के, या केक वेक लेके लोग कटिंग कर रहे हैं, और ऐसे लाइट्स लगे हुए हैं पूरे। तो यहाँ पर एक बार भी है, और वॉशरूम भी है जो काफ़ी नीट एंड क्लीन था, और वीकेंड होने के बावजूद भी यहाँ पे ज़्यादा भीड़ नहीं था, तो एक अच्छा लगा। ज़्यादा देर हम यहाँ पे स्पेंड किए टाइम और व्यू एंजॉय किया, और ये सनसेट तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैं कुछ देर तो खड़े होके सनसेट देखी, उसके बाद ही घर जाने का सोची।
तो ये उड़ीसा टूरिज्म के तरफ से काफ़ी अच्छा मेंटेन किए हुए हैं और अच्छा लगा यहाँ पे टाइम स्पेंड करके। और एक बार मायरा और शानवी को ज़रूर लेके आऊँगी मैं। तो होप आज का वीडियो आप सबको पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड पास में दिया गया बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए फॉर ऑल द नोटिफिकेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।